देखिए आज मैं ये शिमला मिर्चा, ये जो प्लांट रहता है काफ़ी अच्छा, ये चिली वाला, तो आज मैं ये नर्सरी से लाया था, तो आज इसे रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो आपको दिखा रहा हूँ। यही आप भी अगर नर्सरी से शिमला मिर्चा का प्लांट लाते हैं तो इसी तरीके से रिपोर्ट करें, काफ़ी अच्छा आपका प्लांट चलेगा। तो उसके लिए ये देखिए, नॉर्मली ये गार्डन सॉइल मैं लिया हूँ, इसी में मैं लगाऊंगा। आपका मन कहे तो इसमें आप खाद भी मिला सकते हैं, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं खाद इस समय। आप इसमें खाद चाहे तो बाद में दे भी सकते हैं, तो वो भी आपका प्लांट एकदम अच्छा चलेगा। तो इसमें मैं, ये जो मेरी मिट्टी है काफ़ी अच्छी है, पहले से इसमें मैं खाद दिया था, तभी मैं इसमें खाद और नहीं मिला रहा हूँ, ज़्यादा हो जाएगी तो वो भी प्लांट को ख़राब कर सकती है। तो इसके लिए आप अगर मिट्टी का गमला, ये देखिए इस तरीके का 10 इंच वाला या 8 इंच वाला मिट्टी का गमला लेंगे, तो इसी में ये एकदम काफ़ी अच्छा चलेगा आपका ये प्लांट। तो ये देखिए गमले में नीचे ड्रेनेज होल आपके रहना चाहिए, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा ही बड़ा ड्रेनेज होल है। तो ड्रेनेज के ऊपर ये देखिए इस तरीके की चिप रखें ताकि उसका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। तो आप नीचे इस तरीके से ये देखिए, थोड़ा जो वैसी मिट्टी हो, जिसमें मोटी टाइप की मिट्टी हो, जिसमें ये देखिए इस तरीके का ये सब जो है, ये वाली मिट्टी नीचे की तरफ एक लेयर इसकी लगा देंगे। फिर उसके बाद अपना प्लांट रखेंगे। ये देखिए आप इसकी पॉलीबैग से इस तरीके से धीरे धीरे जब इसे निकाल लेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका प्लांट हो जाएगा। ये देखिए इसमें रूट काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रही होगी, तो ये इस तरीके से अब मैं इसमें रख दे रहा हूँ। थोड़ा और इतनी मिट्टी रखें कि ऊपर का पोर्शन ढका ना रहे, ये देखिए इस तरीके से। और ये जो वेजिटेबल वाले सारे प्लांट रहते हैं, इन्हें तो धूप पूरी चाहती है, तो आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ फुल डे की धूप आती होगी, तो आपका प्लांट एकदम अच्छा चलेगा। ये देखिए इस तरीके से लगा लें। अभी बरसात का मौसम तो है ही है, अभी 15 दिन और रहेगा, तो इस तरीके से आप अगर अपने प्लांट को लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे से आपका प्लांट हो जाएगा। मिट्टी एकदम भुरभुरी बनाए तब एकदम अच्छा चलेगा। और ये देखिए 15 दिन के आप इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि ये जो चिली का प्लांट होता है इसमें फंगस बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। ये जो इसकी न्यू न्यू ये ब्रांचेस आती हैं फ्लावर के पास से, वहीं पे ये मिलीबग होते हैं, और वो जो काले वाले कीड़े आते हैं वो एकदम मतलब एकदम चिपक जाते हैं, जिससे कि इसमें लीफ कर्ल वाली बीमारी आ जाती है आपके प्लांट में, तो आपका पूरा पूरा प्लांट एकदम ख़राब हो सकता है, पूरी आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो आप अपनी मेहनत को ना बर्बाद करें, इसी तरीके से आप लगा लें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप भी इसी तरीके से अपने चिली के प्लांट को अच्छे से लगा लें, काफ़ी अच्छा चलेगा।